हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मिगार्गी और आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। नोरा फतेही बॉलीवुड की जानी मानी डांसर में से एक है। उनकी अदाओं पर हर कोई फिदा है, पर हाल ही में नोरा ने पेप्स को लेकर ऐसी बात शेयर की जिसको कोई भी स्टार्स क्या कोई भी आम इंसान भी बर्दाश्त नहीं करेगा। दरअसल नोरा फतेही ने अपने हालिया इंटरव्यू में पेपराजी कल्चर पर खुलकर बात की है। नोरा फतेही ने कहा है कि पेपराजी उनके बॉडी पार्ट्स पर कैमरा जूम करते हैं, ये सिर्फ उनके साथ ही नहीं बल्कि हर दूसरी एक्ट्रेस के साथ यही करते हैं। ये तो सबको पता है कि सेलेब्स और पेपराजी दोनों जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलता, पर ये सब करने का राइट्स कोई किसी को नहीं देता है। इससे पहले भी कई एक्ट्रेसेस पेपराजी कल्चर पर आपत्ति जता चुकी है, उनमें मृणाल ठाकुर से लेकर पलक तिवारी तक कई एक्ट्रेसेस उनकी बॉडी पार्ट्स पर कैमरे जूम करने को लेकर पेपराजी को फटकार लगा चुकी है। वहीं अब नोरा फतेही ने भी आपत्ति जताई है और कहा है कि शायद कैमरा जूम करने के पीछे उनकी भावना गलत है, लेकिन ये डिस्कशन का अलग मुद्दा है। मैं हर किसी को पकड़कर सबक नहीं सिखा सकती, लेकिन मैं अभी भी वैसे ही चलती हूँ जैसे मैं चलती हूँ। मैं अपने शरीर को लेकर पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हूँ। इसके साथ ही नोरा ने कहा उन्हें अपनी बॉडी पर गर्व है। दुर्भाग्य से ये वो चीजें हैं जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। वो सिर्फ सोशल मीडिया एल्गोरिदम गेम खेल रहे हैं। किस्मत से मुझे एक अच्छी बॉडी मिली है और मुझे इस पर गर्व है। मैं इससे शर्मिंदा नहीं हूँ। आपको बता दें, नोरा बी टाउन का जाना माना चेहरा है। वो डांसर के साथ साथ एक्टर भी है। नोरा अपने फैंस के बीच अपने डांस परफेक्ट फिगर को लेकर खूब पसंद की जाती है। नोरा बाकी स्टार्स की तरह पेपराजी को खूब पोजेस भी देती नजर आती है, पर नोरा ने पेप्स को कैमरा जूम करने पर जो निशाना साधा है वो बिल्कुल सही है। नोरा अपने फैंस के साथ अक्सर वीडियो और फोटो शेयर करती है। इसके अलावा पेपराजी के बीच भी नोरा फतेही काफी पॉपुलर सेलिब्रिटी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि गलत का साथ वो देती रहेंगी। उन्होंने जो आवाज उठाई है वो हर किसी को उठानी चाहिए। ये ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज से अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करें श्रेष्ठ भारत को। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।